हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ यूटी क्रेन। डिजाइन ऑफ यूटी क्रेन में सबसे लास्ट स्टेप पढ़ेंगे आज, ठीक है। लास्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 13 में लास्ट स्टेप है मोटर सिलेक्शन, ठीक है। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़े थे बियरिंग सिलेक्शन, ड्रम शाफ्ट का बियरिंग सिलेक्शन किए थे, ठीक है। वो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में हर एक स्टेप का अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, वो सब देख लेना, ठीक है। तो स्टेप नंबर 13 मोटर सिलेक्शन है, जो ईओटी क्रेन का लास्ट स्टेप है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 13 से, ठीक है। तो स्टेप नंबर 13 है मोटर सिलेक्शन। मोटर सिलेक्शन के लिए पहले जाना पीएसजी पेज नंबर 9.7 पे जाना, वहां पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। 9.7 पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो है एचपी इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एफिशिएंसी इनटू 4500। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या रहेगा, Q का वैल्यू टोटल लोड रहेगा, ठीक है, जो स्टेप नंबर 1 में निकाले थे, याद करना, ठीक है। Q का वैल्यू मिल जाएगा स्टेप नंबर 1 पे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो Q का वैल्यू टोटल लोड Q इज इक्वल टू 15750, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में मिल जाएगा, यहाँ से Q का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, Q मिल गया, V कितना रहेगा, 16 रहेगा, 16। ये V कहाँ से मिला, स्टेप नंबर 4 में जाना। स्टेप नंबर 4 क्या था, शिव डिजाइन ऑफ शिव था, ठीक है। उस शिव में तीन कंपोनेंट डिजाइन किए थे, तो जो थर्ड कंपोनेंट, हाँ, तो वो वहां पर ही थर्ड कंपोनेंट जो डिजाइन किए थे, उसी डिजाइन में ये V का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। वहां से V भी निकल जाएगा जो है 16 मिलेगा। एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी 100% भी अज्यूम कर सकते हैं, या 90% भी अज्यूम किया तो नो इश्यू, ठीक है। और यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ पे हॉर्स पावर मिल जाएगा। तो हॉर्स पावर कितना मिला, 62.2 हॉर्स पावर मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पी, पी इज इक्वल टू 62. ये हॉर्स पावर को वैट में कन्वर्ट करना है अभी, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735.5 वैट, ठीक है। तो ये 62.2 को 735.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 735 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर मिल जाएगा 45.76 वैट मिल जाएगा पावर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पीएसजी। अब ये पावर मिल गया, 45.76 पावर मिल गया, ठीक है। तो फ्रॉम पीएसजी 5.126 पे जाना, ठीक है। ये पेज पे जाने के बाद सिलेंज फ्लैंज माउंटेड मोटर P is equal to 40, वहाँ पे नियर बाय वैल्यू देखना पावर का, ठीक है। 45 का नियर बाय वैल्यू, तो नियर बाय वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, यही लास्ट वैल्यू रहता है पावर का जो है 22 किलोवाट, ठीक है। यही लास्ट मिलेगा, तो 22 किलोवाट ले लेना, ठीक है। वहाँ पे मोटर आरपीएम, तो वहाँ पे मोटर आरपीएम 1500 आरपीएम सिलेक्ट करना, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन ज्यादा नहीं रहेगा, बाकी भी 3000 आरपीएम भी, लेकिन वो सब मत सिलेक्ट करना, वाइब्रेशन उसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन कम रहेगा 1500 में। फिर फ्लैंज डेसिग्नेशन वहीं से मिल जाएगा, जहां पे ये 22 किलोवाट सिलेक्ट करेंगे वहीं पे फ्लैंज डेसिग्नेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड निकाल, एक्चुअल स्पीड ये 1500 आरपीएम अपन ने सिलेक्ट किया, लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या रहेगा, 4% स्लिप तो रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। तो 1500 आरपीएम इनटू 4% ऑफ स्लिप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1440 आरपीएम, एक्चुअल स्पीड मिल जाएगा 1440 आरपीएम मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओवरऑल रिडक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। ये एक फॉर्मूला है ओवरऑल रिडक्शन रेशियो का, आई ओ इज इक्वल टू मोटर आरपीएम अपॉन ड्रम आरपीएम। मोटर आरपीएम कितना है, 1440 है, जो यहीं से मिल गया, ठीक है। और ड्रम आरपीएम स्टेप नंबर 4 में ही जाना, जहाँ पे ये वैल्यू, जहाँ पे मैं बताया था ये V का वैल्यू जहाँ पे मिलेगा ना, वहीं पे ये N भी मिल जाएगा। ड्रम RPM क्या रहता है, N से इंडिकेट करता है। स्टेप नंबर 4 में तीन कंपोनेंट डिजाइन किए थे, थर्ड कंपोनेंट में वैल्यू निकाले है अपन N का जो है 6.919 है, ठीक है। वहां से ये सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल रिडक्शन भी मिल जाएगा जो है 208.12, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करेंगे ट्रांसमिशन स्टेज, ट्रांसमिशन स्टेज फाइंड करना है, तो मतलब कौन से स्टेज है। तो अगर वैल्यू, अगर ये ओवरऑल रिडक्शन रेशियो का वैल्यू 5 से लेके 125 के बीच में आया,
तो वो स्टेज वन हो जाएगा। अगर 25 से 125 के बीच में आया तो स्टेज टू हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 125 रहा तो स्टेज थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैंस रेशियो पर स्टेज, एक फॉर्मूला है रेशियो पर स्टेज, आई स्टेज इज इक्वल टू 3√i0, ठीक है ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है √i0, तो i0 तो यहीं से मिल गया है जो 208.12 है, तो यहाँ पे पुट कर लेना तो स्टेज मिल जाएगा, रेशियो पर स्टेज मिल जाएगा जो है 5.92, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ यूटी क्रेन खत्म होता है, ये लास्ट स्टेप था डिजाइन ऑफ यूटी क्रेन में जो मोटर सिलेक्शन रहता है, ठीक है। मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं स्टेप बाय स्टेप, सभी वीडियोस देख लेना, अलग अलग स्टेप्स के लिए सब वीडियो है, और एक कंप्लीट वीडियो है स्टार्ट टू एंड, एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी है, ठीक है। थैंक यू।